इस समय ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, मैं फिलहाल आपको रोकना चाहूंगा। इस समय सीधी तस्वीरें वाराणसी से आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं जो आज उनके दौरे का मुख्य कार्यक्रम है। स्वागत स्वागत। और मैं अब उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से सादर अनुरोध करूंगी कि हम सब की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को अंगवस्त्रम उठाकर और जिन किसान भाइयों बहनों के लिए आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया उसी की एक स्मृति किसान भाई को उन्हें स्मृति चिन्ह के रूप में प्रदान करके आप सबकी बहुत जोरदार तालियों के बीच उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगी माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत अंगवस्त्रम उठाकर व स्मृति चिन्ह प्रदान करके करने की कृपा करें। हमारे तीन किसान भाई भी माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए मंच पर उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करूंगी टिकरी काशी विद्यापीठ के श्री रमेश साहनी जी से कि वो आए अंगवस्त्रम उठाकर सभी किसान भाइयों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री उदय भानु सिंह जी दौलतिया सेवापुरी के, आप भी आए और माननीय प्रधानमंत्री जी को अंगवस्त्रम उठाकर उनका स्वागत करिए, अभिनंदन करें। इसी क्रम में बहोरन रोहनिया के श्री लाल बहादुर राम जी से भी अनुरोध कि वो आए और माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सब की तरफ से स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहुत जोरदार तालियों के बीच एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का इस धरा पर, इस पावन धरती पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। स्वागत के ही क्रम में स्वागत उद्बोधन का मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर स्थान ग्रहण करने का अनुरोध करती हूँ और अनुरोध करती हूँ माननीय कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश श्री सूर्य प्रताप शाही जी से कि वो आए और सम्मानित मंच का, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, स्वागत उद्बोधन प्रेषित करें। भारत माता की, भारत माता की, हर हर महादेव, हर हर महादेव। विश्व के राजनेताओं में सर्वाधिक लोकप्रिय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, भारत सरकार के कृषि कल्याण मंत्री और मध्य प्रदेश के 5 बार मुख्यमंत्री रहे ऐसे आदरणीय शिवराज चौहान जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री द्वेश श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और विधान परिषद के सम्मानित सदस्य श्री भूपेंद्र चौधरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के सभी सम्मानित मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारीगण, सभी सम्मानित अन्नदाता किसान भाइयों बहनों और मीडिया के सभी मित्रों, देश की महान जनता बाबा विश्वनाथ और माँ गंगा के आशीर्वाद से काशी के लाल आदरणीय नरेंद्र मोदी को देश में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार एक ऐतिहासिक रूप में उन्हें देश की सेवा करने का अवसर मिला है। इस सौभाग्य प्राप्त होने के अवसर पर मैं अपनी ओर से पवित्र काशी की इस जनता जनार्दन की ओर से, उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसान भाइयों की ओर से मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय, हमारा ये सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी के रूप में हमें एक कुशल और सक्षम नेतृत्व प्राप्त हुआ है जिनके पास चुनौतियों को के समाधान की क्षमता है, जिनके नेतृत्व में किसानों को सशक्त और सक्षम बनाकर उनको उनकी आय को आगे बढ़ाए जाने के लिए एक सम्यक दृष्टि है और उसके लिए प्रतिबद्धता है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों के भीतर किसानों के कल्याण के लिए अनेक कार्यक्रमों का उन्होंने शुभारंभ किया, जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, हमारी मिट्टी की जांच, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना,
प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान MSP पर डॉक्टर स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट को लागू करके 1.5 गुना से 2 गुना तक न्यूनतम समर्थन मूल्य को निर्धारित करके किसानों की आय को बढ़ाए जाने के लिए जिस प्रकार से ठोस कदम उठाया, पिछले 60 वर्षों में किसी सरकार ने इस तरीके के कदम नहीं उठाए थे। इसलिए उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बार बार अभिनंदन करता हूं, बार बार स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसी उत्तर प्रदेश की धरती से, बाबा गोरखनाथ की धरती से 2019 के 24 फरवरी को PM किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया था और उस योजना के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को खाद और बीज और उर्वरक के लिए साहूकारों के से छुटकारा मिल सके, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने एक ठोस कदम उठाए और जिसके माध्यम से देश के 10.5 करोड़ किसानों को अब तक 3 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की धनराशि उनको दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से पिछले वर्षों में उत्तर प्रदेश के भीतर हमारे 16वीं किस्त तक 2.76 करोड़ किसानों को 59,661 करोड़ रुपए उनको प्राप्त हुए हैं और 17वीं किस्त आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जारी होनी है। मैं किसानों के प्रति प्रधानमंत्री जी की कितनी प्रतिबद्धता है कि अब की बार तीसरी बार जब प्रधानमंत्री के रूप में आपने पद ग्रहण किया तो सबसे पहले उन्होंने किसानों की चिंता किया और PM किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त को उन्होंने अब हस्ताक्षर करके और ये बताया कि किसानों को हम तुरंत पैसा भेजने वाले हैं। आज 17वीं किस्त आपके कर कमलों से जारी होने वाली है जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के 2.675 करोड़ किसान भाइयों को 4,343 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त होगी, जिसमें वाराणसी के 2,74,000 किसान भाई हैं और इस प्रकार से किसानों को ठोस तरीके से कैसे उनके कृषि कार्यों के लिए लागत को घटा करके आमदनी को बढ़ाया जाए, इस दृष्टि से प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया है। समय कम है इसलिए उसके ऊपर मैं बहुत चर्चा आगे नहीं करना चाहता, लेकिन प्रधानमंत्री जी के कारण आज न्यूनतम समर्थन मूल्य जो आपने 1.5 गुना से 2 गुना किया उसे किसानों की आय में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। आपकी सरकार ने जिस तरीके से दलहन और तिलहन के लिए कीमतों को निर्धारित किया और कई फसलों की तो 2 गुना से ज्यादा निर्धारित किया है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने इस बात का प्रयास किया है कि राज्य के भीतर सीजन से लेकर के दलहन और तिलहन की खरीदारी हम लोगों ने व्यापक रूप से कराई है और पिछले साल 3.5 लाख मेट्रिक टन बाजरा और 50,000 मेट्रिक टन ज्वार की भी खरीदारी करके आपने जो अंतर्राष्ट्रीय सीएनएस समारोह मनाया था उसके भीतर हम लोगों ने योगदान किया है। इसी तरीके से भारत सरकार की सारी योजनाओं को जमीन तक उतारने के लिए हमारे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार प्रतिबद्ध है और निरंतर आपके योजनाओं का उत्तर प्रदेश अनुपालन करके आज अग्रणी भूमिका कृषि के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका अदा कर रहा है। राज्य के भीतर हम लोगों का कृषि एक्सपोर्ट भी बहुत तेजी से बढ़ा है। हमने 5 जगहों पर पैक हाउस लगाए हैं और अभी कल पहली बार उत्तर प्रदेश से US के लिए हमारा मलिहाबाद का आम वहाँ से गया है और 4 मेट्रिक टन से शुरुआत किया है। ये 75 साल के इतिहास में आपके मार्गदर्शन में पहली बार हुआ है। इसी तरीके से APO के माध्यम से किसानों के आमदनी बढ़ाए जाने, उनको एक्सपोर्ट किए जाने की ट्रेनिंग दिया जा रहा है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए एक बार सभी किसान भाइयों और बहनों से निवेदन करना चाहता हूँ कि करतल ध्वनि बजा करके हाथों के दोनों हाथों से तालियाँ बजाएंगे और हर हर महादेव के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और इसी क्रम में सादर अनुरोध उद्बोधन के लिए माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि वो आए और आप सभी को संबोधित करें। माननीय मंत्री जी, भारत सरकार कृषि। बोलिए भारत माता की। किसान भाइयों बहनों की, आज मंच पर विराजमान दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता और लगातार तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बन के पहली बार काशी पधारे हैं ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश की हमारी राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी,
उत्तर प्रदेश के कर्मठ और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री द्वय भाई केशव जी विजेश जी, आदरणीय कृषि मंत्री सूर्य प्रताप जी, सभी आदरणीय मंत्रीगण, आदरणीय विधायकगण और पूरे देश से जुड़े हुए हमारे सभी मुख्यमंत्रीगण, केंद्रीय मंत्रीगण, मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और यहां उपस्थित मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी आज तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के पहली बार आए हैं तो मौसम भी बदल रहा है। कल तक भयानक गर्मी थी, आज मौसम थोड़ा सुहाना हो गया है। ये इतिहास है, इतने बहुमत से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना और जनता ने जो जनादेश दिया है वो अपने आप में अद्भुत और अभूतपूर्व है। मैं देश के सभी किसान भाइयों बहनों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा है। और भारतीय जनता पार्टी का तो मानना है कि किसान ही भगवान है और किसानों की सेवा भगवान की पूजा है। और इसी भाव से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के कल्याण के काम में लगी है। ये किसान और खेती के प्रति प्रतिबद्धता है प्रधानमंत्री जी की, हमारी सरकार की, कि पहली फाइल अगर प्रधानमंत्री बनने के बाद कोई साइन की उन्होंने तो किसान सम्मान निधि किसान के खाते में डालने की फाइल साइन। और आज पहला कार्यक्रम भी अगर हो रहा है तो किसानों के बीच ही हो रहा है। आज प्रधानमंत्री जी सिंगल क्लिक से लगभग 9.25 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपया डालेंगे। अब तक लगभग 3,24,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल दिए गए हैं। इस राशि के साथ प्रधानमंत्री जी का किसानों की आय दुगनी करने का जो रोड मैप है, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है। एक, उत्पादन बढ़ाना, सिंचाई की योजनाओं के माध्यम से नई तकनीकी का प्रयोग करके कैसे उत्पादन बढ़े, इसके लगातार इसका प्रयास जारी है। दूसरे, उत्पादन की लागत घटाना। किसान भाइयों, आप जानते होंगे अरबों रुपए की सब्सिडी देते हैं खाद पर, तब किसान को सस्ता खाद मिलता है। दुनिया में खाद के दाम आसमान पर है, लेकिन ये हमारी सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जो किसान को सस्ता खाद उपलब्ध करवाते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड जैसी अद्भुत योजना साहूकारों के चंगुल से मुक्त किसान को किया है। और छोटे किसान तो प्रधानमंत्री जो हमारी सम्मान निधि है उससे ही खाद और बीज की व्यवस्था करते हैं। तीसरी चीज जिसके बारे में शाही जी अभी कह रहे थे, योगी जी के नेतृत्व में और सभी प्रदेशों में फसलों के बेहतर दाम किसान को मिले, इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो लागत आती है उस पर कम से कम 50% लाभ देकर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है। और ये फैसला भी किया किसी ने तो नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने किया। पहले की सरकारें केवल बातें करती थी, प्राकृतिक आपदा में अगर फसल को नुकसान हो जाए तो भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। कृषि के विविधीकरण का उन्होंने हम सबको निर्देश दिया और उस काम में लगे हैं। फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधीय खेती, कृषि वानिकी, कृषि के साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, जिससे किसान की आय दुगुनी हो जाए। और एक चिंता और, मैंने वो तड़प देखी है प्रधानमंत्री जी की, क्या ये धरती केवल हमारे लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। अनियंत्रित कीटनाशक और खाद के प्रयोग से ये बंजर अगर हो गई तो आने वाली पीढ़ियां इस धरती पर कैसे रहेंगी, और इसलिए प्राकृतिक खेती का अभियान उन्होंने चलाया हुआ है। मैं उनकी तड़प को प्रणाम करता हूं और कृषि विभाग उनके नेतृत्व में किसानों के कल्याण में
कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा, हम दिन और रात परिश्रम करेंगे। आज कृषि सखी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, गरीब बहनों को, और कई बहनें 1 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी है। आज कृषि सखी के प्रमाण पत्र भी वितरित किए जाने हैं। हमारी वो बहनें जिनको ट्रेनिंग दी गई है किसानों को उनके काम में सहयोग करने के लिए, ऐसी 34,000 बहनें अभी ट्रेंड है, बाकी की और ट्रेनिंग होगी। एक तरफ किसान को वो अच्छी खेती करने में सहयोग करेंगी तो दूसरी तरफ उनकी आय भी बढ़ेगी। ये सारे प्रयास किसानों के कल्याण के लिए जारी रहेंगे। एक बार फिर मैं सभी किसानों की ओर से और लखपति दीदी और बहनों की ओर से भी प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ अपने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वो आए और इस विशाल जनसमूह को संबोधित करें। नमः पार्वती पतये हर हर। दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और काशी के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार लगातार, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के उपरांत आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काशी आगमन हुआ है। उनके इस काशी में मां गंगा के यशस्वी पुत्र का आप सभी काशीवासियों की ओर से, काशी के अन्नदाता किसानों की ओर से, उत्तर प्रदेश के सभी अन्नदाता किसानों की ओर से मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठतम सहयोगीगण उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, प्रदेश मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण आज इस कार्यक्रम में वर्चुअली माध्यम से जुड़े हुए, देश भर के हमारे सभी माननीय मुख्यमंत्रीगण, कृषि मंत्रीगण और उपस्थित काशी के सभी बहन और भाइयों, आज काशी के लोकप्रिय सांसद और देश के अंदर लगातार 30 बहन और भाइयों, देश की आजादी के बाद 62 वर्ष के बाद यह अवसर पहली बार आया है जब देश के किसी राजनेता ने अपने दम पर, अपने बल पर, अपने कार्यों के माध्यम से देश के प्रत्येक तबके के जीवन में व्यापक परिवर्तन करते हुए अपनी लोकप्रियता के आधार पर लगातार तीसरी बार विजय प्राप्त करके प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। इस अवसर पर
मां गंगा के इस यशस्वी पुत्र का, जिन्होंने अपने कार्यों के माध्यम से भारत को दुनिया के अंदर एक नई पहचान दिलाई है, जिनके नेतृत्व में एक नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं, जिनके नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश देश की एक अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ते हुए कार्य कर रही है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काशी में आगमन हुआ है। इस अवसर पर काशी के अन्नदाता किसानों की ओर से, काशीवासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं कि अन्नदाता किसान 2014 में आजादी के बाद पहली बार देश की राजनीति के एजेंडे का हिस्सा बना था। सॉयल हेल्थ कार्ड से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तक, जो अन्य अनेक योजनाएं इस दौरान किसानों के जीवन में परिवर्तन करके उनकी आमदनी को कई गुना बढ़ाने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए, आज उसके परिणाम हम सबको देखने को मिल रहे हैं। आज उसके परिणाम हम सबको देखने को हर स्तर पर मिल रहे हैं। और इस अवसर पर जब तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ आदरणीय मोदी जी ने ली, तो उन्होंने सबसे पहला कार्य और सबसे पहले किसी एक फाइल पर हस्ताक्षर किया तो वह था पुनः अन्नदाता किसानों के लिए समर्पित। और आज देश के करोड़ों किसानों को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की इस नई सौगात के साथ इस नए अभियान का शुभारंभ होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आभार व्यक्त करता हूं। बहनों और भाइयों, हम सब ने बदलती हुई काशी को देखा है। एक काशी जो आज एक नए कलेवर और नई काया के साथ अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए वैश्विक मंच पर अपनी एक नई पहचान बना रही है। यह नई काशी हम सबके लिए और पूरी देश को, पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इस नई काशी के कायाकल्प के लिए पिछले 10 वर्ष में हजारों करोड़ रुपए न केवल लगे हैं, बल्कि दुनिया ने काशी को बदलते हुए देखा है। इस काशी को नए रूप में बदलते हुए देखा है। काशी के बारे में आम जन की जो श्रद्धा थी, जो आस्था थी, उस आस्था को पुष्ट और मजबूत होते हुए देखा है। इस अवसर पर इस नए भारत के शिल्पी के रूप में, काशी के नए कलेवर और काया कल्प को करने वाले इस गंगा पुत्र का मैं, उन्हीं की काशी में आप सभी अन्नदाता किसानों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस अवसर पर प्रदेश काशी और प्रदेश के और देश के जिन अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से सौगात प्राप्त होने वाली है, उन सभी अन्नदाता किसानों का भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। आप सबके प्रति भी इस अवसर पर, आप प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं और हम लोग कल देख रहे थे कि टेम्परेचर एकदम ऐसा था कि इतनी भीषण गर्मी में कैसे होगा, लेकिन आज जब प्रकृति और परमात्मा का संयोग होता है तो वह अद्भुत क्षण हम सबको आज काशी में देखने को प्राप्त हो रहा है। कितना सुहावना मौसम काशी का हो चुका है। इस सुहावने मौसम में अन्नदाता किसानों को मिलने वाली सौगात के लिए आप सबको हृदय से बधाई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय कृषि मंत्री जी का, आदरणीय राज्यपाल महोदय जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत साधुवाद माननीय मुख्यमंत्री जी।
हमारे किसान भाई बहन हमारे देश का सम्मान और मान, आज इनकी खुशियों को ही बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे किसान भाइयों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत सीधे उनके खातों में राशि ट्रांसफर करेंगे। मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी आप बटन दबाकर इस राशि को हमारे किसान भाइयों बहनों के खाते में सीधे ट्रांसफर करने की महती कृपा करें। और क्या है ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये राशि ट्रांसफर हो गई, बहुत जोरदार तालियों से हम माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बार पुनः अभिवादन। किसान पूरी तरह से सशक्त और सक्षम बने, इस लक्ष्य के साथ हम निकले हैं। देश के किसानों को हर वो साधन संसाधन दिए जाए जिससे वो अपनी आय दोगुनी कर सके। ये मुस्कान है खुशहाली की, देश के मान की। ये मुस्कान है किसानों की, और इस मुस्कान की वजह है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो अन्नदाताओं की आशाओं की जमीन को पिछले 5 वर्षों से इस तरह सींच रही है कि उनके जीवन में खुशी और आत्मविश्वास की फसल लहलहा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच का नतीजा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। लगातार तीसरी बार चुनी गई सरकार का पहला निर्णय किसानों के बारे में है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त की फाइल पर किया गया हस्ताक्षर मेहनतकश अन्नदाताओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत सभी किसान परिवारों को 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों के माध्यम से कुल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। अब तक 16 किस्तों द्वारा 11 करोड़ से अधिक पीएम किसान लाभार्थियों को 3.04 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डायरेक्टली उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जा चुकी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सालाना 6,000 की किस्तें मिलती हैं। यह हमारे लिए एक वरदान साबित हुई। प्रधानमंत्री किसान योजना पंजीकृत आज पर्यंत 32,000 टका पाई। इस योजना से किसानों के साथ समग्र कृषि का जीर्णोद्धार हुआ है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के तहत इस योजना को किसान केंद्रित डिजिटल बुनियादी ढांचा में तब्दील किया गया है, जिसमें बिना किसी बिचौलिए के किसानों को सीधे किस्तों का भुगतान किया जाता है। केंद्र सरकार के संकल्प को डिजिटल इंडिया से जोड़ते हुए ये योजना मोबाइल ऐप EKYC प्रक्रिया, मोबाइल ऐप से फेस ऑथेंटिकेशन और नो योर स्टेटस मॉड्यूल की सुविधा प्रदान करती है, जिससे किसान इस योजना से जुड़ी कोई भी जानकारी सीधे प्राप्त कर सकते हैं। किसानों के जीवन को और आसान बनाने के लिए AI चैटबॉट किसान ई मित्र बेहतर कल का एक नया आगाज है। किसान ई मित्र AI चैटबॉट एक सच्चे दोस्त की भूमिका निभाते हुए योजना से जुड़ी सारी जानकारी चयनित भाषा में मुहैया कराता है। पीएम किसान की 17वीं किस्त के रूप में आज माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 9.26 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को 20,000 करोड़ रुपए की धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। केंद्र सरकार की एक और अहम पहल है कृषि सखी, जो ज्ञान और महिला सशक्तिकरण का अद्भुत संगम है। कृषि सखी अभियान द्वारा गाँव की महिलाओं को पारंपरिक कृषि प्रथाओं से लेकर नवीन तकनीकों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है, जो महिला किसानों को आर्थिक व सामाजिक रूप से मजबूत बनाता है। गांव की हर महिला को इस मुहिम से जोड़ने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों का कृषि सखियों के रूप में प्रमाणीकरण किया गया है। कृषि सखी हमारी सहेली जैसी है, गाँव में आती है, हमको खेती बाड़ी के बारे में बहुत कुछ सिखाती हैं। ऐसे अनूठे प्रयासों से देश का किसान स्वाभिमानी, स्वावलंबी, सशक्त और आत्मविश्वासी बन रहा है। सिर्फ कल ही नहीं, हर दिन एक नया आगाज।
इतना ही नहीं, पूरे देश में कृषि सखी के रूप में कृषि से जुड़े अन्य कार्यों को करने के लिए 30,000 से अधिक महिलाओं को कृषि पैरा एक्सटेंशन कार्यकर्ता के रूप में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उनमें से 5 कृषि सखियों को पूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान करने का मैं सादर अनुरोध करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वो इन कृषि दीदियों को अपना आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। इनमें पूरे देश में सबसे पहले हमारे बीच सरगुजा छत्तीसगढ़ से आई अनीता मोदी जी, उनको प्रमाण पत्र प्रदान करने का माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध। ये जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ से हमारे बीच में आई हैं अनीता मोदी जी। इनके बाद शहडोल मध्य प्रदेश से कृषि सखी दीदी ममता सिंह बरगाही, दीदी ममता सिंह बरगाही ये शहडोल जिला मध्य प्रदेश से आई हैं। इसके उपरांत ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल से मेघालय की लहुसा लिंकाई, कृषि दीदी लहुसा लिंकाई मेघालय से हमारे बीच इस मंच पर आ रही है। और इनके बाद आएंगी उत्तर कन्नड़ कर्नाटका से श्रीलता राजीव हेगड़े जी, हमारी कृषि सखी दीदी श्रीलता राजीव हेगड़े जी। और इनके बाद हमारी अगली कृषि सखी दीदी हैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से मीरा पाल, इन्हें ये पूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। और अब इसी के साथ मैं आप सबकी बहुत जोरदार तालियों के बीच युग दृष्टा युग सृष्टा युग निर्माता माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि आज इस अवसर पर हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें, हमारा मार्ग प्रशस्त करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी शिवराज सिंह चौहान, भागीरथ जी चौधरी, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, विधान परिषद के सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र चौधरी जी, प्रदेश सरकार के अन्य मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण और विशाल संख्या में आए हुए मेरे किसान भाई बहन, काशी के मेरे परिवारजनों, चुनाव जीतने के बाद आज हम पहली बार बनारस आयल है। काशी के जनता जनार्दन के हमार प्रणाम। बाबा विश्वनाथ और मां गंगा के आशीर्वाद से काशी वासियों के असीम स्नेह से मुझे तीसरी बार देश का प्रधान सेवक बनने का सौभाग्य मिला है। काशी के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार
अपना प्रतिनिधि चुनकर धन्य कर दिया है। अब तो मां गंगा ने भी जैसे मुझे गोद ले लिया है, मैं यहीं का हो गया हूं। इतनी गर्मी के बावजूद आप सभी यहां बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने आए और आपकी ये तपस्या देख करके सूर्य देवता भी थोड़ा ठंडक बरसाने लग गया। मैं आपका आभारी हूं, मैं आपका ऋणी हूं। साथियों, भारत में 18वीं लोकसभा के लिए हुआ यह चुनाव भारत के लोकतंत्र की विशालता को, भारत के लोकतंत्र के सामर्थ्य को, भारत के लोकतंत्र की व्यापकता को, भारत के लोकतंत्र की जड़ों की गहराई को दुनिया के सामने पूरे सामर्थ्य के साथ प्रस्तुत करता है। इस चुनाव में देश के 64 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मतदान किया है। पूरी दुनिया में इससे बड़ा चुनाव कहीं और नहीं होता है। जहां इतनी बड़ी संख्या में लोग वोटिंग में हिस्सा लेते हैं, अभी मैं G7 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए इटली गया था। G7 के सारे देशों के सारे मतदाताओं को मिला दे तो भी भारत के वोटर्स की संख्या उनसे 1.5 गुना ज्यादा है। यूरोप के तमाम देशों को जोड़ दें, यूरोपियन यूनियन के सारे मतदाताओं को जोड़ दें तो भी भारत के वोटर्स की संख्या उनसे 2.5 गुना ज्यादा है। इस चुनाव में 31 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया है। ये एक देश में महिला वोटर्स की संख्या के हिसाब से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। ये संख्या अमेरिका की पूरी आबादी के आसपास है। भारत के लोकतंत्र की यही खूबसूरती, यही ताकत पूरी दुनिया को आकर्षित भी करती है, प्रभावित भी करती है। मैं बनारस के हर मतदाता का भी लोकतंत्र के एक उत्सव को सफल बनाने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। ये बनारस के लोगों के लिए भी गर्व की बात है। काशी के लोगों ने तो सिर्फ MP नहीं बल्कि तीसरी बार PM भी चुना है। इसलिए
आप लोगों को तो डबल बधाई। साथियों, इस चुनाव में देश के लोगों ने जो जनादेश दिया है वो वाकई अभूतपूर्व है। इस जनादेश ने एक नया इतिहास रचा है। दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में ऐसा बहुत कम ही देखा गया है कि कोई चुनी हुई सरकार लगातार तीसरी बार वापसी करे। लेकिन इस बार भारत की जनता ने ये भी करके दिखाया है। ऐसा भारत में 60 साल पहले हुआ था। तब से भारत में किसी सरकार ने इस तरह हैट्रिक नहीं लगाई थी। आपने ये सौभाग्य हमें दिया, अपने सेवक मोदी को दिया। भारत जैसे देश में जहां युवा आकांक्षा इतनी बड़ी है, जहां जनता के अथाह सपने हैं, वहां लोग अगर किसी सरकार को 10 साल के काम के बाद फिर सेवा का अवसर देते हैं तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री है, बहुत बड़ा विजय है और बहुत बड़ा विश्वास है। आपका ये विश्वास मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। आपका ये विश्वास मुझे लगातार आपकी सेवा के लिए देश को नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा देता है। मैं दिन रात ऐसे ही मेहनत करूंगा आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके संकल्पों को पूरा करने के लिए मैं हर प्रयास करूंगा। साथियों, मैंने किसान, नौजवान, नारी शक्ति और गरीब, इन्हें विकसित भारत का मजबूत स्तंभ माना है। अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत मैंने इन्हीं के सशक्तिकरण से की है। सरकार बनते ही सबसे पहला फैसला किसान और गरीब परिवारों से जुड़ा फैसला लिया गया है। देश भर में गरीब परिवारों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाने हो या फिर पीएम किसान सम्मान निधि को आगे बढ़ाना हो, ये फैसले करोड़ों करोड़ों लोगों की मदद करेंगे। आज का ये कार्यक्रम भी विकसित भारत के इसी रास्ते को सशक्त करने वाला है। आज इस खास कार्यक्रम में काशी के साथ साथ काशी से ही देश के गांवों के लोग जुड़े हैं, करोड़ों किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये सारे हमारे किसान माताएं भाई बहने आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। मैं अपनी काशी से
हिंदुस्तान के कोने कोने में, गांव गांव में आज टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सभी किसान भाई बहनों का, देश के नागरिकों का अभिवादन करता हूं। थोड़ी देर पहले ही देश भर के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। आज 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की तरफ भी बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। कृषि सखी के रूप में बहनों की नई भूमिका, उन्हें सम्मान और आय के नए साधन दोनों सुनिश्चित करेंगे। मैं अपने सभी किसान परिवारों को, माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि आज दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम बन चुका है। अभी तक देश के करोड़ों किसान परिवारों के बैंक खाते में 3.25 लाख करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। यहां वाराणसी जिले के किसानों के खाते में भी 700 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। मुझे खुशी है कि पीएम किसान सम्मान निधि में सही लाभार्थी तक लाभ पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल हुआ है। कुछ महीने पहले ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी 1 करोड़ से अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ पाने के लिए कई नियमों को भी सरल किया है। जब सही नीयत होती है, सेवा की भावना होती है, तो ऐसे ही तेजी से किसान हित के, जनहित के काम होता है। भाइयों और बहनों, 21वीं सदी के भारत को दुनिया की 3री बड़ी आर्थिक ताकत बनाने में पूरी कृषि व्यवस्था की बड़ी भूमिका। हमें वैश्विक रूप से सोचना होगा, ग्लोबल मार्केट को ध्यान में रखना होगा। हमें दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर बनना है और कृषि निर्यात में अग्रणी बनना है। अब देखिए, बनारस का लंगड़ा आम, जौनपुर की मूली, गाजीपुर की भिंडी, ऐसे अनेक उत्पाद आज विदेशी मार्केट में पहुंच रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और जिला स्तर पर एक्सपोर्ट हब बनने से एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और उत्पादन भी एक्सपोर्ट क्वालिटी का होने लगा है। अब हमें पैकेज फूड के ग्लोबल मार्केट में देश को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है और मेरा तो सपना है कि दुनिया की हर डाइनिंग टेबल पर भारत का कोई न कोई खाद्यान्न या फूड प्रोडक्ट होना ही चाहिए। इसलिए हमें खेती में भी जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट वाले मंत्र को बढ़ावा देना है। मोटे अनाज श्री अन्न का उत्पादन हो,
औषधीय गुण वाली फसल हो या फिर प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना हो, पीएम किसान समृद्धि केंद्रों के माध्यम से किसानों के लिए एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम विकसित किया जा रहा है। भाई और बहनों, यहां इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें उपस्थित हैं। माताओं बहनों के बिना खेती की कल्पना भी असंभव है, इसलिए अब खेती को नई दिशा देने में भी माताओं बहनों की भूमिका का विस्तार किया जा रहा है। नमो ड्रोन दीदी की तरह ही कृषि सखी कार्यक्रम ऐसा ही एक प्रयास है। हमने आशा कार्यकर्ता के रूप में बहनों का काम देखा है, हमने बैंक सखियों के रूप में डिजिटल इंडिया बनाने में बहनों की भूमिका देखी है। अब हम कृषि सखी के रूप में खेती को नई ताकत मिलते हुए देखेंगे। आज 30,000 से अधिक सहायता समूहों को कृषि सखी के रूप में प्रमाण पत्र दिए गए हैं। अभी 12 राज्यों में ये योजना शुरू हुई है, आने वाले समय में पूरे देश में हजारों समूहों को इससे जोड़ा जाएगा। ये अभियान 3 करोड़ लखपति दीदियां बनाने में भी मदद करेगा। भाई और बहनों, पिछले 10 वर्षों में काशी के किसानों के लिए केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने, पिछले 7 साल से राज्य सरकार को मौका मिला है, पूरे समर्पण भाव से काम किया है। काशी में बनास डेयरी संकुल की स्थापना हो, किसानों के लिए बना पेरिसेबल कार्गो सेंटर हो, विभिन्न कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र हो या इंटीग्रेटेड पैक हाउस हो, आज इन सब के कारण काशी और पूर्वांचल के किसान बहुत मजबूत हुए हैं, उनकी कमाई बढ़ी है। बनास डेयरी ने तो बनारस और आसपास के किसानों और पशुपालकों का भाग्य बदलने का काम किया है। आज ये डेयरी हर रोज करीब 3 लाख लीटर दूध जमा कर रही है। अकेले बनारस के ही 14,000 से ज्यादा पशुपालक, ये हमारे परिवार, इस डेयरी के रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अब बनास डेयरी अगले 1-1.5 साल में काशी के ही 16,000 और पशुपालकों को अपने साथ जोड़ने जा रही है। बनास डेयरी आने के बाद बनारस के अनेकों दूध उत्पादकों की कमाई में भी 5 लाख रुपए तक की वृद्धि हुई है। हर साल किसानों को बोनस भी दिया जा रहा है। पिछले साल भी 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का बोनस पशुपालकों के बैंक खाते में भेजा गया था। बनास डेयरी अच्छी नस्ल की गीर और साहिवाल गायों को भी किसानों को दे रही है, इससे भी उनकी आमदनी बढ़ी है। साथियों, बनारस में मछली पालकों की आय बढ़ाने के लिए भी हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। पीएम मत्स्य संपदा योजना से सैकड़ों किसानों को लाभ हो रहा है, उन्हें अब किसान क्रेडिट कार्ड की भी सुविधा मिल रही है। यहां पास में चंदौली में करीब 70 करोड़ की लागत से आधुनिक फिश मार्केट का निर्माण भी किया जा रहा है। इससे भी
बनारस के मछली पालन से जुड़े किसानों को मदद मिलेगी। साथियों, मुझे खुशी है कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को भी बनारस में जबरदस्त सफलता मिल रही है। यहां के करीब करीब 40,000 लोग इस योजना के तहत रजिस्टर हुए हैं। बनारस के 2100 से ज्यादा घरों में सोलर पैनल लग चुका है। अभी 3000 से ज्यादा घरों में सोलर पैनल लगाने का काम चल रहा है। जो घर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़े हैं उनमें से ज्यादातर को डबल फायदा हुआ है। उनका बिजली बिल तो जीरो हो ही गया है, 2-3 हजार रुपये की कमाई भी होने लगी है। साथियों, बीते 10 सालों में बनारस शहर और आसपास के गांवों में कनेक्टिविटी का जो काम हुआ है उससे भी बहुत मदद हुई है। आज काशी में देश के सबसे पहले सिटी रोपवे प्रोजेक्ट का काम अपने आखिरी पड़ाव तक पहुंच रहा है। गाजीपुर, आजमगढ़ और जौनपुर के रास्तों को जोड़ती रिंग रोड विकास का रास्ता बन गई है। फुलवरिया और चौकाघाट के फ्लाईओवर बनने से जाम से जूझने वाले बनारस के आप लोगों को बहुत राहत हुई है। काशी, बनारस और कैंट रेलवे स्टेशन अब एक नए रूप में पर्यटकों और बनारसी लोगों का स्वागत कर रहे हैं। बाबतपुर एयरपोर्ट का नया रूप न सिर्फ यातायात बल्कि व्यापार को भी सहूलियत दे रहा है। गंगा घाटों पर होता विकास, बीएचयू में बनती नई स्वास्थ्य सुविधाएं, शहर के कूड़ों का नवीन रूप और वाराणसी में जगह जगह विकसित होती नई व्यवस्था काशी वासियों को गौरव की अनुभूति कराती है। काशी में स्पोर्ट्स को लेकर जो काम हो रहा है, नए स्टेडियम का जो काम हो रहा है, वो भी युवाओं के लिए नए मौके बना रहा है। साथियों, हमारी काशी संस्कृति की राजधानी रही है, हमारी काशी ज्ञान की राजधानी रही है, हमारी काशी सर्व विद्या की राजधानी रही है। लेकिन इन सब के साथ साथ काशी एक ऐसी नगरी बनी है जिसने सारी दुनिया को ये दिखाया है कि हेरिटेज सिटी भी अर्बन डेवलपमेंट का नया अध्याय लिख सकती है। विकास भी और विरासत भी का मंत्र काशी में हर तरफ दिखाई देता है। और इस विकास से सिर्फ काशी का लाभ नहीं हो रहा, पूरे पूर्वांचल के जो परिवार काशी में अपने कामकाज और जरूरतों के लिए आते हैं उन सभी को भी इन सारे कामों से बहुत मदद मिलती है। साथियों, बाबा विश्वनाथ की कृपा से काशी के विकास की ये नई गाथा अनवरत चलती रहेगी। मैं एक बार फिर देश भर से जुड़े सभी किसानों साथियों का, सभी किसान भाई बहनों का हृदय से अभिवादन करता हूं, बधाई देता हूं। काशीवासियों का भी मैं फिर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हृदय की गहराइयों से नमन, आभार, साधुवाद। चाहता हूं कि कोई नेक काम हो जाए, मेरी हर सांस इस देश के नाम हो जाए,
जो सिर उठे तो सामने तिरंगा हो और सिर झुके तो देश को प्रणाम हो जाए, जिनकी सांस सांस में माँ भारती का गौरव गान, ऐसे हमारे आदरणीय माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उनका मंच से प्रस्थान। सीधा प्रसारण आप वाराणसी